जो आंकड़े 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पे लगने चाहिए वो आंकड़े नहीं लगाए गए और उल्टा परसेंटेज लगा दी खाली कितने वोट में से कितने वोट डले हैं तब परसेंटेज निकलती है उन्होंने खाली परसेंटेज लिख दिया उसका कोई मायने नहीं है उसका कोई मीनिंग नहीं है खाली परसेंटेज निकाल लगाने का मतलब तो ये है कि हंड्रेड परसेंट वोटिंग हुआ है और इसलिए इतने परसेंट वोट हो गए यही समझा जाए ये चोरी है ये सीना चोरी है ये डेमोक्रेसी की हत्या है और उसमें करने में इस देश का प्राइम मिनिस्टर शामिल हुआ है इस इसलिए तो हिम्मत नहीं किसी इलेक्शन कमिश्नर की या किसी पीएम सीएम सी एम आरे गैरे नथु प्यारे की कि कोई लोगों की वोटों के साथ छेड़खानी कर सके रिगिंग कर सके या मशीनों के साथ गड़बड़ कर सके या मशीनों को बाद में बदलने की कोशिश करे किसकी औकात है किसकी हिम्मत है इलेक्शन का काम मतलब है देश के लोगों को शामिल करना इस पर्व में न कि एक्सक्लूड करना उनको निकालना नहीं उनको दबाना नहीं उनको किसी बहाने से रिजेक्ट करना नहीं है इस देश का कानून इस देश का कानून है जितने लोग भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहे उनका सहयोग करना है और उनको रास्ता बताना है उनके डॉक्यूमेंट में छोटी मोटी कमी है उसको भी पूरा करवाने के लिए समय देना है बलराज सिंह मलिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जो हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इन्होंने सीजीआई को पत्र लिखा धांधली के आरोप लगाए तो सर सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपके पास प्रूफ क्या है सबूत क्या है क्योंकि कानून जो है और कोर्ट जो है सबूत मांगते हैं क्या सबूत है आपके पास जो आरोप लगाए हैं उसके देखिए सबूत क्या होते हैं पूरे देश में सबसे पहला तो मसला टेंशन पूरे देश में है कि जो आंकड़े 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पे लगने चाहिए वह आंकड़े नहीं लगाए गए और उल्टा परसेंटेज लगा दी खाली कितना पोलिंग हुआ है वोट और कितना उन कितने वोट में से कितने वोट डले हैं तब परसेंटेज निकलती है उन्होंने खाली परसेंटेज लिख दिया उसका कोई मायने नहीं है उसका कोई मीनिंग नहीं है वो देश के जनता को मूर्ख बनाने का काम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो देश में बना है वो इसीलिए है कि लोगों को हर पल हर बात की खबर होनी चाहिए देश में क्या और कैसे कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक ये देश किसी की बपोती नहीं है इसके मालिक देश की जनता है और वोटर जो अपने जनप्रतिनिधि बनते बनाते हैं एक संविधान के तहत देश की जो व्यवस्था मानवीय व्यवस्था सुचारू रूप से चले उसके लिए इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन में कितने लोगों ने वोट कास्ट किया कितने टोटल वोट थे तब परसेंटेज निकलती है खाली परसेंटेज लगा देना खाली परसेंटेज निकाल लगाने का मतलब तो ये है कि हंड्रेड परसेंट वोटिंग हुआ है और इसलिए इतने परसेंट वोट हो गए यही समझा जाए जी। वरना कम वोट पोल हुए हैं तो कितने हुए हैं तभी तो हम परसेंटेज का आइडिया लगाएंगे कितने लोगों ने मतदान किया है तो दिस नॉन सेंस डन या इज़ डन बीइंग डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये गैरकानूनी है और जो लोग इलेक्शन कमिश्नर बने हुए हैं बनाए हुए हैं देश में पहली बार ऐसा हुआ है इस देश के इलेक्शन कमिश्नर को जेड सुरक्षा जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है देश में इससे साबित होता है या तो इलेक्शन कमीशन इस देश का बदमाश है करप्ट है भ्रष्ट है उसको लोगों से खतरा है या ये है ये देश इतना इमेचोर है यहाँ के लोग मूर्ख हैं और इसलिए लोगों से बचाने के लिए जंगली लोग हैं और उनसे बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन की सुरक्षा जेट रहने की करने की जरूरत है इसका मतलब है या तो देश को गाली दे रहे हो आप देश के लोगों को मूर्ख बता के और अपने आप की सुरक्षा जेट रहने की सुरक्षा उसको दी गई है या वो खुद ऐसे लोग हैं जिनको डर है कि तुम गलत काम करोगे या कर रहे हो और जनता का आक्रोश ना आप लोगों पर क्रोध ना उतरे तो उससे उसको सुरक्षा लेने की जरूरत पड़ी और सुरक्षा घेरे में है ये शर्म की बात है इस देश के लिए इस देश के इलेक्शन कमिश्नर की जो सही काम अगर करे ट्रांसपेरेंसी से काम करे तो उसको सुरक्षा की कहाँ जरूरत है फिर तो जनता सुरक्षा करती है ना चोर उचक्कों को ही सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है और देश में जो लोग ऐसे हैं जो असंवैधानिक अमानवीय व्यवहार करते हैं उनको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है जो लोग पूरे देश से प्यार करते हैं देश के हित में काम करते हैं संविधान के हित में काम करते हैं उनकी सुरक्षा की जरूरत क्या है वो पूरा सुरक्षा आपने आपने पत्र लिखा सी को लेकिन अगर सवाल करें कि न्यूज और जितनी खबरें हैं ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को ले लेकर ले चुनाव में जो चल रही हैं उन सारी खबरों को लेकर तो सी के पास सारी न्यूज तो पहुंचती होंगी फिर भी वो नहीं बोलते हैं चुपचाप हैं कभी कभार तो कितनी सारी चीज़ों पर स्वतः बोल पड़ते हैं लेकिन इन सारी बातों पर वो नहीं बोलते तो क्या पत्र का कोई असर होगा बिल्कुल देखिए हमने जो पत्र लिखा है वो पत्र देश के पूरी जनता के बिया पे लिखा है और क्योंकि हमारी ड्यूटी भी है एज ए सिटीजन भी और एज एन एडवोकेट भी कि हम सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं वकालत करते हैं तो यहाँ कम से कम हम ये काम जनता के बिया पे अपने देश के लोगों के लिए कर सकते हैं और अपने लिए कर सकते हैं उसमें हमने ध्यान आकर्षण किया है चीफ जस्टिस का सारे जजों का और इस देश के हर सुप्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों का कि इलेक्शन कोई छोटी घटना नहीं है देश में इलेक्शन इस देश का महापर्व है डेमोक्रेसी का आधार है और व्यवस्था का आधार है और संविधान में सबसे बड़ा काम संविधान द्वारा जो फंडामेंटल राइट है और जो लोगों ने संविधान को आत्मसात किया अपने ऊपर खुद लागू किया है वो इसलिए लागू किया है कि डेमोक्रेसी है सोवरन कंट्री तभी होता है जब देश की जनता अपनी मर्जी से अपनी व्यवस्था और अपने जनप्रतिनिधि तय करती है और वो जनप्रतिनिधि तय करने की ड्यूटी जिसको दी है जिस एजेंसी को जिस कमीशन को जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहलाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो ट्रांसपेरेंसी से उसमें चाहने के लिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट फाइल की थी कि भाई यहाँ जो लोग हों जो इस कमीशन को चलाएं वो इंडिपेंडेंट लोग हों सबसे ईमानदार लोग हों और उसके बनाने में सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन का लीडर और देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या उसका कोई प्रतिनिधि होना चाहिए ताकि ईमानदारी से और जिन लोगों को छाँटें उनकी लिस्ट उन तीनों आदमी के पास जानी चाहिए कई दिन पहले जानी चाहिए ताकि वो उनके बारे में जान सकें और देश के हित में सही फैसला लिया जा सके। कितना जल्दबाजी में हड़बड़ाट में दो इलेक्शन कमिश्नर लगाए गए आज ही अपोजिशन के लीडर को चिट्ठी देते हैं जी। और उसको बेचारे को पता भी नहीं किस किस का नाम है ये लोग कैसे हैं और तुरंत उनके अपॉइंटमेंट करते हैं उस चीफ जस्टिस को उसमें से हटा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को एक अच्छी जजमेंट को नकारा बनाने के लिए अध्यादेश ले आए चालाकी से चोरी से ये चोरी है ये सीना चोरी है ये डेमोक्रेसी की हत्या है और उसमें करने में इस देश का प्राइम मिनिस्टर शामिल हुआ है इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस देश की ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की व्यवस्था की हत्या की है एक तरह से इसीलिए उसका ध्यान आकर्षण कराने के लिए कि भाई बहुत चारों तरफ से शिकायत आ रही है शिकायत ही नहीं आ रही हमने भी सुना है प्राइम मिनिस्टर जिस लेवल की भाषा यूज कर रहे हैं वो किसी भी देश के लिए शर्म की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पद पे हमने एक ऐसे आदमी को बिठा दिया जिसको इतनी अकल नहीं है कि किस तरह की भाषा यूज़ करनी चाहिए वो आदमी हिंदू मुसलमान से शुरू करता है मॉर्निंग में उठता है और शाम को सोते वक्त भी वही मंत्र जाप करके सोता है और वह अब आदमी कितना यूटर्न लिया कल ही मैंने सुना सोशल मीडिया पे वो कह रहा है जब मैं हिंदू मुसलमान की बात करूंगा तो उस दिन मैं राजनीति से खत्म हो जाऊंगा या छोड़ दूंगा सार्वजनिक जीवन जीने के योग्य नहीं हाँ योग्य नहीं रहूँगा हाँ। वो वो रहूंगा कि जगह उन्होंने ये कहना चाहिए मैं सार्वजनिक जीवन के योग्य नहीं रहा हूँ ये शब्द उनको कहना चाहिए था कि मैं अब इतना एक्सपोज हो चुका हूँ मैं इतना झूठा आदमी हूँ मैं सरेआम झूठ बोलता हूँ मैं रिकॉर्ड आज कुछ कहता हूँ तुरंत मैं पलट जाता हूँ और अपनी बात मानने से इनकार करता हूँ पूरे देश को शर्म आती है इस बात से कि या तो ये आदमी झूठ बोलने का दुनिया का वो है गोल्ड मेडलिस्ट या वो क्या कहते हैं कौन सा पदक मिलता मिलता नोबल लॉरेट झूठ झूठ का नोबल अगर लॉरेट कोई बनाया जाए इस धरती पर तो इंडिया उसमें सबसे पहला नोबल प्राइज़ मिल सकता है और नरेंद्र मोदी के नाम से ये है और दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट हैं वो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी ड्यूटी है देश के संविधान को बचाने की देश के लोगों के फंडामेंटल राइट right बचाने की और देश का जो पर्यम्बल है संविधान का उसके मुताबिक हर फैसला करने की तीन तरह का न्याय पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस देने के लिए और ये तीन तरह का न्याय भी किस कसोटी पे खड़ा होता इसको हम वो करते हैं कसते हैं किस कसोटी पे कसोटी ये है अगर इकोनॉमिकल पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस होने से देश में भाईचारा बढ़ा है तो वो न्याय हुआ है अगर उससे भाईचारा नहीं बढ़ा है देश में सभी लोगों में एक परिवार की भावना नहीं जागी है पूरे 140 करोड़ में तो आपका पॉलिटिकल जस्टिस भी बेमानी है, बेमान है आपका सोशल जस्टिस भी बेमानी है आपका इकोनॉमिकल जस्टिस भी बेमानी है सुप्रीम मंत्री जो है कह तो रहे हैं सामाजिक न्याय पर कहते हैं कि हम जब से भाजपा की सरकार आई है मोदी सरकार आई है तब से हमने नारा लगाया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और इसी पर हम चलते हैं सबसे पहले तो कोई भी आदमी चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई और भी है देश का कोई भी सो कॉल्ड पॉलिटिकल आदमी हो नॉन पॉलिटिकल हो जो ये बात करता है कि भाजपा सरकार या मोदी सरकार वो सारे के सारे मूर्खता भरी बात कर रहे हैं वो असंवैधानिक बात करते हैं संविधान में कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी इंडिविजुअल आदमी के नाम की सरकार नहीं होती उसके लिए कोई जगह भी नहीं है ये शब्द जो यूज करते हैं अब की बार फलानी बार फलाना सरकार ढिकड़ा सरकार या मोदी सरकार या एक्स वाई जेड सरकार ये नॉनसेंस है ये वैसीपन है ये सातवीं आठवीं शताब्दी शताब्दी में ले जाने वाली बात है जब सोकाल छोटे मोटे लठैत और राजे रजवाड़े होते थे कि फलाने का राजा ढिगड़ा राजा ये रियासत वो रियासत ये किसी के बाप की रियासत नहीं है यहाँ एक ही सरकार काम करती है इस देश में संविधान के तहत उसका नाम है भारत सरकार उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं है इस देश में ना हो सकती है पॉलिटिकल पार्टियों का प्रोविज़न संविधान के तहत पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत प्रोविजन किया है सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि ये लोग ऑर्गेनाइजेशन बना के संविधान की शिक्षा भी दें समाज में और कंटेस्ट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव तैयार करें अपने यहाँ जैसे स्कूल में विद्यार्थी तैयार होते हैं साइंटिस्ट तैयार होते हैं इसी तरह से वो तैयार करने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का काम है और कोई पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का इस देश पे कब्जा करने का कोई प्रोग्राम नहीं है संविधान के तहत ना संविधान में किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम की कोई सरकार है ना थी ना हो सकती ये मूर्खता भरा बयान देते हैं चाहे देश का प्रधानमंत्री भी इस तरह की बातें करते हैं वो बकवास करते हैं कोई भी कोई और कहता है कांग्रेस की सरकार बीजेपी की सरकार या बहुजन की सरकार ये नहीं सरकार तो सिर्फ एक ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की सरकार जिसमें 140 करोड़ शामिल हैं वो प्रतिनिधि मेजोरिटी के वो मिलके बनाएं बनाए या उनका डिवीज़न हो जाए पर जो बहुमत होगा भाई वो एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना लेते वो एक अपनी कैबिनेट बना लेते यहाँ तो एक आदमी की चौधर का कोई मतलब ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो ये किस खेत की मूली है इनको काम करना होता है कैबिनेट के साथ विचार विमर्श करके मगर देश में सिचुएशन क्या हो गई सारी कैबिनेट ऐसी हो गई उनका नाम हो गया कैबिनेट कि यश करो दिन को रात को हाँ जी रात हो गई मोदी मोदी करो पार्लियामेंट में मोदी मोदी ये नॉनसेंस पागलपन वहसीपन इस देश में नहीं चलेगा ये बहुत पुरानी सदी का समय है हमारी आने वाली पीढ़िया हमारे ऊपर लाछन लगाएंगी कि आप लोग कितने मूर्ख थे हमारे पूर्वज कि इस तरह की बकवास सुनते रहे और ये बकवास को होने दिया इस देश में हमारा ध्यान आकर्षण था सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की ड्यूटी है इस देश में जब इलेक्शन हो उससे पहले वो ये नहीं इंतज़ार करें कि कोई आदमी शिकायत लेके जाएगा तुम कह दो हाँ भाई इलेक्शन कमीशन गए थे अरे सरेआम अखबार भरे पड़े हैं लोग चिल्ला रहे हैं ऐसे वक्त में कोई कौन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन इनकम्पिटेंट होता है बाइश्ड होता है तभी तो लोग चिल्लाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हर हाई कोर्ट में बेंच होने चाहिए ईमानदार बोल्ड जजों के जो सबसे ईमानदार हैं सबसे पॉजिटिव जज हैं सबसे ज़्यादा संविधान एक्सपर्ट जो लोग हैं कि तुरंत वो सुओ मोटो एक्शन भी लें अगर मोटो एक्शन लें तो हिम्मत नहीं किसी इलेक्शन कमिश्नर की या किसी पी एम सी एम आरे गे प्यारे की कि कोई लोगों की वोटों को साथ छेड़खानी कर सके रिगिंग कर सके या मशीनों के साथ गड़बड़ कर सके या मशीनों को बाद में बदलने की कोशिश करे किसकी औकात है किसकी हिम्मत है इस देश में जितना भी इलेक्शन में गड़बड़ होती है मैं एज एन एडवोकेट ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ और देश को बताना चाहता हूँ कि वो सारी की सारी जिम्मेवारी इस देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की है इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और उसमें करने वाले जो लोग काम करने वाले लोग हैं जजों के रूप में वो हमारे जैसे लोग हैं उनकी कमी है वो अगर अपनी ड्यूटी पूरी करें तो इस देश में ना तानाशाही हो सकती ना इलेक्शन में गड़बड़ हो सकती ना कोई मशीन बदल सकता ना कोई इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन से मिलने से मनाही कर सकता जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं मशीन पे वो लोग मिलने जाते हैं वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर अंदर बैठा बैठा ये कह देता मीटिंग में हूँ किसी के बाप का इलेक्शन कमिश्नर है क्या कि आज किसी को ड्यूटी दी है उसको ड्यूटी करनी चाहिए वो ऐसे लोग मूर्ख लोग हैं गलत हाथों में बंदरों के हाथ में उस तरह है अगर वो लोगों से नहीं मिलते जो आदमी देश की आवाज़ उठाते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करते हैं वो कमियां बताते हैं इमीजिएट उन लोगों का स्वागत होना चाहिए उन लोगों से पूछ के उनको अपने कार्य क्रम में सुधार करना चाहिए इसलिए हमने ये लेटर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये बैठे बैठे इंतजार ना करें कि तुम्हारे सामने पटिशन आएगा तब तुम कार्रवाई करियो तब तक तो ये देश में बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती इलेक्शन में विजेता घोषित करा दिए जाते हैं सरकारें बन जा सरकारें बन जाती हैं है हाँ, बनारस से शाम रंगीला का नामांकन रद्द कर दिया गया है बड़ी संघर्ष के बाद उनका नामांकन हुआ लेकिन अब रद्द हो गया है वो जो कमेंट कर रहा था डीसी का जो हमें पता चला कि वो कह रहे थे कौन है भाई पुलिस वालों तुम्हारी नौकरी चली जाएगी वो इनको निकालो बाहर बहुत तेरे कितना पेपर दे के लोग आई एस आई एस बन जाते हैं लोगों को लगता है बहुत बड़े अफसर हो गए बड़ा अच्छा काम करेंगे देश के लिए बचाएंगे देश को ऐसे ऐसे लोग हैं पपेट हो जाते हैं सारे के सारे ये डीसी सी हों ये एस पी हों और सारे के सारे ऐसे लंबे लेट जाते हैं जैसे अंग्रेजों के समय में ना नौकर चाकर लंबे लेट इंडियन जो लोग उनके नौकर होते थे किसी कहने से गोली मारो भाई इनको जनरल डायर ने लोगों को अपने लोगों को मरवाया वहाँ पर अमृतसर में तो इस तरह से ये काम कर रहे हैं जितने आई एस पे मुझे तो बड़ी तरस आती है इन लोगों पर ये अपनी नौकरी के लिए अपने ट्रांसफ़र के लिए अपनी ठगी ठोरी के लिए बहुत सारे इनमें से पूरा बदनाम हो गया ये आई एस आर आई वाला महकमा कि कैसे ये जिनका काम है परमानेंट सरकार बोलते हैं इनको क्योंकि ये तो सरकारें तो पाँच साल में बदलती भी रहती हैं ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इनको ये हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो पाँच साल में बदल जाते हैं जी। लगातार वाले होते हैं आई एस आई पी एस या अधिकारी लोग जितने होते हैं ये अधिकारी जो व्यवहार करते हैं आम आदमी से वो पीएम से अलग व्यवहार कर रहे हैं शाम रंगीला से अलग व्यवहार कैसे कैसे कर सकते हैं कौन सा कानून है कि पीएम हो चाहे सीएम हो चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो चाहे इस देश का आम साधारण इंसान हो चाहे रिक्शा पुलर तक भी हो जो आदमी इलेक्शन कंटेस्ट करेगा उसी इज्जत उसी भाव के साथ सबके फार्म लेना और सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करना ये ड्यूटी हर आई एस आई पी एस डी एम सी एम भी जितने लोग हैं ये ये लोग जो व्यवहार करते हैं इसे पता चलता अभी इस देश को जो चलाने वाले लोग हैं अफसर शाही जो है इस देश में अभी इनके दिमाग में से खुरापात नहीं निकली है ये अपने आप को शासक समझ बैठते हैं जबकि ये मात्र व्यवस्था के लिए और कुछ नहीं है इससे ज्यादा इन लोगों के आचरण में सुधार करने की जरूरत है बहुत सारी इस देश में दो तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है श्याम रंगीला के लिए एक जो कह रहे हैं कि इन्होंने डॉक्यूमेंट के के साथ या कमिशन के साथ या इलेक्शन कमीशन बस मजाक किया है इन्होंने सही डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं कराए और वही सिर्फ फेमस होना था इसलिए मोदी के खिलाफ पर्चा भर दिया दूसरा धड़ है जो कह रहा है कि इनके साथ साजिश हुआ है इनका जानबूझ के पर्चा रद्द किया गया नहीं नहीं देखो बात सुनो फेमस होने के लिए क्या एक ही आदमी को फेमस होने का अधिकार है क्या इस देश में श्याम रंगीला जो जिस तरह की एक्टिंग करता है वो फेमस होने के काबिल है वो आदमी क्या दिक्कत है उसमें और वो जो मिमिक्री करता है वह लोग बिल्कुल जोड़ पाते हैं कि कितना हु वो देश के प्राइम मिनिस्टर की बातों को उसके अंदर जो छुपा हुआ उसका वह जैसे मैंने मोर की देखी थी कि वो ज़रूर जिस, जिस, जिस आज तो पूरा देश से समझ गया है कि प्राइम मिनिस्टर जितनी एक्टिंग करते हैं और जितना इस तरह का लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ढोंग करते हैं उससे पहले ही वो हु वो बातें बता देता श्याम रंगीला उसका वो एक्सपर्टीज है उस मामले में वो आदमी वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो ये अधूरे फार्म फलाने फार्म सहयोग करना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने में प्रोसीजर को तलवार की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए प्रोसीजर में तो लोगों को सहयोग करना चाहिए फैसिलिटेटिंग एजेंसी होती है रिटर्निंग ऑफिसर कोई बदमाश नहीं होता गुंडा नहीं है कि लोगों को जिसको चाहेगा सी एम पी एम उनका फार्म लेगा और जो लोग आम आदमी उनका फार्म रिजेक्ट करेगा उनसे बदतमीजी करेगा उसकी ड्यूटी है फैसिलिटेट करने का उसको बताना होता है सर ये डॉक्यूमेंट कम है ये ले आओ या इसमें कमी रह गई इसको पूरा करो ये सिचुएशन होनी चाहिए इलेक्शन का काम मतलब है देश के लोगों को शामिल करना इस पर्व में न कि एक्सक्लूड करना उनको निकालना नहीं उनको दबाना नहीं उनको किसी बहाने से रिजेक्ट करना नहीं है इस देश का कानून इस देश का कानून है जितने लोग भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए उनका सहयोग करना है और उनको रास्ता बताना है उनके डॉक्यूमेंट में छोटी मोटी कमी है उसको भी पूरा करवाने के लिए समय देना है और छोटी मोटी अननेसेसरी गलतियां हैं क्लैरिकल उसको भी इग्नोर करना चाहिए क्योंकि इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के हक में फैसला देना ही इस देश का असली कानून है वही लोकतंत्र के लिए जरूरी है एक आखिरी सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जब तक जिंदा हूं इस देश को हिंदू मुसलमान में बटने नहीं दूंगा हां हा। लोग तो ये कह रहे हैं कि जितना जल्दी चले जाओ उतना इस देश के लिए अच्छा है कि जब तक जिंदा हूं नहीं बटने दूंगा आपने कोई जिंदा रहते हुए कसर नहीं छोड़ी अब आप जिंदा नहीं रहो तो इस देश का कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है इतनी बड़ी झूठ इस तरह के कैसे हिम्मत हो रही है देश कैसे बर्दाश्त करेगा ऐसे झूठे प्रेम लिए। उसके लिए नहीं है हाँ। नरेंद्र मोदी के लिए मेरे दिमाग में कोई गुस्सा नहीं है हाँ। वो हमारी तरह एक आम आदमी है लिए। आम पद के लिए कि हम जो जिम्मेदारी के लिए हमने पद का सृजन किया हुआ है हमारे संविधान के, के तहत उस संविधान के तहत उस पर बैठा हुआ आदमी इस तरह की बकवास नहीं कर सकता ये देश इजाजत नहीं दे सकता उनको इस पद की गरिमा बहुत जितनी गिरानी थी गिरा ले ही गिरा ली अब इस देश को बख्शें और आराम करें गंगा मैया ने बुलाया है वहीं पर सरकार की तरफ से उनको फैसिलिटी मिल जाएगी क्योंकि रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर को मिलती है वो गंगा में नहाए और जिंदगी का आखिरी जीवन भी व्यतीत कराएं और गंगा की सफाई में भागीदारी करें वो तो रो पड़े कहते हैं कि वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था फ्लो में अब लगता है कि गंगा मैया ने मुझे गोद लिया है हाँ वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हाँ। गंगा मैया कह रही है कि आप दिल्ली के काबिल नहीं है मेरे पास ही आ जाओ मेरे अंदर डुबकी लगा लगा के साफ़ सुथरे हो जाओ आपके अंदर जो जहर है यहीं खत्म होगा आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो यहीं खत्म होगी और जो पाप किया है देश के प्रति वो मैं तुम्हारा माफ़ कर दूंगी यहाँ पे रहो और जो गंदगी का जितने करोड़ों रुपए हज़ारों करोड़ मेरे नाम के तुम लोगों ने खर्च किए हैं और मेरी दुर्दशा हो रही है बुढ़ापे में आओ और जो दूर समुद्र पे जाने की जरूरत नहीं है जहाँ से कूड़ा बीन के जो ढोंग करते हो इन्वायरमेंट को बचाने का यहीं गंगा में बचा लो यहाँ पर बहुत इन्वायरमेंट ख़राब है बहुत प्लास्टिक आ रहा है गंगा के अंदर यहीं उठाओ कितना उठाना है कह रहे हैं कि एक और मौका दे दीजिए तीसरा मौका मांग रहे हैं सब कुछ सुधार देंगे सब कुछ ठीक कर देंगे ये मौका दे दिया तो ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि क्या होता है आदमी को डॉक्टर भी कहता है कि आखिरी मौका है आप परहेज कर लो नहीं तो आप मरने वाले हो थर्ड डिग्री का थर्ड स्टेज का कैंसर आपको हो जाएगा इसलिए आप कुछ इस तरह की दवाई या इस तरह की वो क्या करते हैं कैंसर में ट्रीटमेंट जो कीमो कीमो और क्या थेरेपी करते हैं वो करने का समय है अगर ये तीसरी बार आ गए तो देश में वो कैंसर हो जाएगा देश में बहुत बड़ा नुकसान 100 परसेंट होगा अगर ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने की सोचते हैं या बनते हैं तो, तो, तो देश सतर्क होना पड़ेगा पूरा सतर्क होना पड़ेगा जितना अब इलेक्शन बाकी है देश में उसमें पूरी तरह से इनको बुद्ध करने की जरूरत है हाथ जोड़ के इनको विदाई करने की ज़रूरत है इनके झोले में जो पेंशन जाएगी उसको आराम से बहुत अच्छे तरीके से अपने बचे खुचे दिनों में पश्चाताप करें ताकि इनका अगला जन्म सुधर सके नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर आइकन की घंटी दबाएं निशल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें